हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि नितिन सिंघानिया की बुक है। और दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी गाइस। यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूपीएससी स्टैटिक पोर्शन में यहाँ पे 8 to 10 क्वेश्चन इस बुक से आते हैं, तो आपको ये बुक पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। तो आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा डीपली कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 चल रहा है अभी हमारा, पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर चुके हैं, पार्ट 3 भी कवर कर चुके हैं। हमने हरप्पन आर्ट पूरा कवर कर लिया है, मौर्यन आर्ट पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब हम आ गए हैं पोस्ट मौर्यन आर्ट पे। सो गाइस, दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी दीपक यादव। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे लास्ट जो देखा था, लास्ट में यहीं तक देखा था, जो हमारी मौर्यन आर्ट थी, मौर्यन आर्ट की पॉटरीज कैसी हुआ करती थी। जो वो है पॉटरीज, वो बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम्स यहाँ पे, ये जो पॉटरी थी उसे कंसिडर करा जाता था, यानी कि सबसे ज़्यादा लग्जरी आइटम माना जाता था। अभी तक की पॉटरी यहाँ पे मॉडर्न आर्ट में हमें दिखी है, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी अभी तक की थी। फिर उसके बाद आता है हमारा पोस्ट मॉडर्न आर्ट। अब पोस्ट मॉडर्न आर्ट को हम पढ़ेंगे और इसे भी जल्दी से ख़त्म करेंगे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर इन 2nd century BC, यानी कि अब जब मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइन हो गया, ठीक है, अभी क्योंकि अभी हम एक चीज़ पढ़ा था हमने पहले कि जो मॉडर्न एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब यहाँ पे वो डिक्लाइन हो गया है, तो स्मॉल डायनेस्टीज, छोटी छोटी डायनेस्टीज आ गई हैं, जिनके कुछ नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं, शुंगास, कनवास, कुशनास, शाकास, ये तो नॉर्थ की साइड के हैं, और ये सतवाहनास, इक्ष्वाकुस, अभिरास एंड वाकातकास इन सदर्न एंड वेस्टर्न। तो ये इस नाम की कुछ यहाँ पे डायनेस्टीज आ गई हैं, किसके बाद, जो मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद, जो कि टाइमिंग पीरियड है 2nd century BC। इंडिया गेंड प्रोमिनेंस। सिमिलरली द रिलीजियस सीन सॉ द एमर्जेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये जो डायनेस्टी मौर्यन एम्पायर ये डिक्लाइन हुआ, फिर उसके बाद ढेर सारी डायनेस्टीज आई। अब क्या हुआ यहाँ पे, रिलीजियस सीन यहाँ पे, यानी कि ब्राह्मणिकल सेक्ट एमरजेंस हुआ, यानी कि अब ब्रह्मा का यानी कि हिंदूज का टाइम यहाँ पर फिर से एमरजेंस हुआ। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा था, सच एज शैवितीज, ठीक है, वैष्णवितीज और शक्तितीज, यानी कि जो शैवितीज होते थे वो यानी कि शिव भक्त, ठीक है, ये जो शैवितीज होते हैं वो शिव भक्त, वैष्णवितीज विष्णु भक्त और शक्तितीज यहाँ पे सभी देवियों के से यहाँ पे ये वर्ड कंसीडर करते हैं। तो अब ये वर्ड एमरजेंस हो गया, अब इन वर्ड का एमरजेंस हो गया, ये वर्ड ओरिजिन हो गए, अब यहाँ पर ये हमारे DT लोग आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गई अब आर्किटेक्चर की बात। अब आर्किटेक्चर कैसा था उस समय का, अब हमें ये चीज़ देखनी है। रॉक कट केव्स, हमने पहले भी पढ़ा था मॉडर्न आर्ट में भी रॉक कट केव्स थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़े बहुत चेंजेस हो गए होंगे, वो चीज़ देखनी है हमें। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक केव्स कंटिन्यूड एज इन द मॉडर्न पीरियड। रॉक, जैसा कि हमें पता है मॉडर्न पीरियड में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था रॉक कट केव्स का। हाउएवर दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ 2 types ऑफ रॉक केव्स। बट यहाँ पे क्या हुआ, एमरजेंस हो गया, 2 type का रॉक केव्स बनने लगी, चैत्य और विहाराज। ये हम लोगों को पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया। चैत्य जो होते थे वो होते थे प्रेयर हॉल्स, यानी जो बौद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स थे वो जो यहाँ पे प्रेयर करने जाते थे उन्हें उसे कहते थे चैत्य, यानी प्रेयर हॉल्स। विहाराज वो होते थे जहाँ पे वो लोग रहते थे, रेजिडेंशियल हॉल्स को विहारा कहते थे, जहाँ की वो लोग रहते थे, और यहाँ पे चैत्य में प्रेयर करते थे, कौन, बौद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स। उसके बाद वाइल द विहार्स वर रेजिडेंशियल हॉल्स, हमें पता चल गया रेजिडेंशियल हॉल्स थे, फॉर द बौद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स वर डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर में आ गए थे, ये तो हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे हैं, मौर्यन एम्पायर में ही ये चीज़ें थी। द चैत्य हॉल्स वर डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि जो हमारी विहार थी, यानी कि जो रहने के लिए था, वो हमारा मौर्यन एम्पायर में आ गया था, बट जो ये चैत्य हॉल्स हैं ये हमारी इस पीरियड में आई, पोस्ट मौर्यन पीरियड में। उसके बाद देवर मेनली क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स विद फ्लैट रूफ्स एज यूज एज प्रेयर हॉल्स। अब यहाँ पे हुआ क्या करता था, फ्लैट रूफ्स हुआ करती थी, यानी कि छतें जो बिल्कुल एकदम फ्लैट हुआ करती थी। यहाँ पे हम पिक्चर देखेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू, बस हमें अभी ये देखना जो छत होती थी उसकी फ्लैट हुआ करती थी प्रेयर हॉल्स की। द केव्स ऑल्सो हैड ओपन कोर्टयार्ड्स, केव्स में ओपन कोर्टयार्ड्स भी हुआ करते थे, वरेंडास होते थे, स्टोन स्क्रीन वॉल्स होती थी, जो बहुत मजबूत स्टोन की वॉल्स हुआ करती थी, जो कि रेन से प्रोटेक्ट करती थी। दे वर ऑल्सो डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स। अब क्या हुआ, ह्यूमन और एनिमल फिगर्स से डेकोरेशन चालू हो गया, ठीक है, ये लोग भी क्या करते थे, ये लोग भी ह्यूमन और एनिमल फिगर्स का यूज़ करते थे डेकोरेशन के लिए। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास, कार्ले चैत्य हॉल है,
इसके हम पिक्चर देखेंगे। अजंता केव्स है, अजंता केव्स जो है वो 29 केव्स हैं, जिसमें से 25 केव जो हैं वो विहार्स हैं, ठीक है, जो रेजिडेंशियल हॉल्स हैं, और 4 हैं वो चैत्य यानी प्रेयर हॉल्स हैं। कार्यालय चैत्य हमारा कार्यालय प्रेयर हॉल इस तरीके से था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और विहारा यहाँ पे यानी कि यहाँ पे इस तरीके से जो एलोरा में विहारा यहाँ पे रहते थे, ये रेजिडेंशियल हॉल से इसे विहारास कहते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से चैत्य हुआ करता था प्रेयर हॉल्स। उसके बाद आते हैं स्तूपाज, रॉक कट केव्स, उस समय थोड़े बहुत चेंजेस आए। अब स्तूपाज में कैसे चेंजेस आए, क्योंकि स्तूपाज हमारे पास मौर्यन पीरियड में भी थे, अब पोस्ट मौर्यन पीरियड है तो स्तूपाज में क्या चेंजेस हुए होंगे। स्तूपाज बिकेम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव, जो स्तूपाज थे वो थोड़े और विशाल कर दिए गए, ठीक है, और बड़े कर दिए गए और ज़्यादा सुंदर कर दिए गए इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, यानी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। स्टोन वॉज इंक्रीजिंगली यूज इन द प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक, पहले हम क्या कर रहे थे, वुड जो था वो हमारा प्रिंसिपल बिल्डिंग मटीरियल था, आपने पढ़ा था, उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो गया, स्टोन ने उस प्रिंसिपल बिल्डिंग मटीरियल को रिप्लेस कर दिया, यानी अब वुड और ब्रिक का कम यूज़ हो रहा है और स्टोन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। द शुंगा डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ तोरंस एज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेटवेज टू द स्तूपास। अब शुंगा डायनेस्टी जो कि हमने भी पढ़ा था, डायनेस्टी आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर के बाद जो आई शुंगा डायनेस्टी, उसने अपना एक आइडिया इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या आइडिया इंट्रोड्यूस करा, अगर आपने गाइस पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वहाँ पर हमने स्तूपा का जो है वो पूरी तरह से आर्किटेक्चर कवर करा है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता चलेगा तोरंस क्या होते हैं, एम्बुलेटरी पैसेज वे क्या होते हैं, सब चीज़ पता चलेंगी, तो आपको वो देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो शुंगा डायनेस्टी उन्होंने अपना आइडिया तोरंस यानी जो गेट हुआ करते थे स्तूपा के बाद, अब जो यहाँ इधर उधर गेट हुआ करते थे तोरंस हुआ करते थे, चार तरफ तोरण होते थे हमारे, आपको ध्यान होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ तोरंस हुआ करते थे, और उन्हें ज़्यादा डेकोरेट करने का काम कर दिया शुंगा डायनेस्टी ने। द तोरंस वर इंट्रिकेटली कार्व्ड विद द फिगर्स एंड पैटर्न वर एविडेंस ऑफ हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। अब क्या हुआ, जो तोरंस थे उन्हें उनपे बहुत ही ज़्यादा नक्काशियों का काम करना चालू कर दिया, फिगर्स बनानी चालू कर दी, पैटर्न्स बनाए, और फिर एक एविडेंस है हमारा हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। ये कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर बनाया, हेलेनिस्टिक यानी कि ग्रीक इन्फ्लुएंस, GRWE के ग्रीक से इंस्पायर होकर यहाँ पर ये काम शुरू करा। एग्जाम्पल्स के तौर पर हमारे पास हैं बरहुत स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है, द तोरन एट सांची स्तूपा वो भी मध्य प्रदेश में, एंड एटसेट्रा। अब बात आती है हमारी स्कल्पचर्स कैसे थे, स्तूपा यानी कि मॉडर्न पीरियड में जो थे केव्स, यहाँ पर भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी कंटिन्यू रहे केव्स, रॉकेट केव्स, बस थोड़े बहुत चेंजेस रहे। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पे विहारास थे सिर्फ, अब यहाँ पे चैत्य आ गए, ठीक है, चैत्य हॉल आ गए। अब और क्या चेंजेस हुए कि यहाँ पर जो स्तूपास थे उन्हें थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, वहाँ थोड़े साइज में छोटे थे, यहाँ पे और ज़्यादा डेकोरेटिव कर दिया गया है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, आपको ज़्यादा थोड़ा दिमाग लगाना है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा स्कल्पचर्स हैं, 3 प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड इन दिस पीरियड, यानी कि 3 स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पे, 3 स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुए, यानी कि हर तरीके से अपने अपने तीनों अपने अपने तरीके से बनाया करते थे आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे ये स्कल्पचर्स, तो यहाँ पे ये जो हैं इस पीरियड में 3 डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया सेंटर्ड एट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, और अमरावती कहाँ पर डेवलप हुआ, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हुआ ये तीनों स्कूल डेवलप। उसके बाद हम अब डिफरेंस देखें गंधारा, मथुरा और अमरावती का। तो पहले गंधारा देखते हैं हम, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी अभी बाहर देखते हैं, यानी कि जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था वो बाहर से इन्फ्लुएंस होकर काम करा उसने, यानी कि बाहर विदेशियों से, ग्रीक से इन्फ्लुएंस होकर, अभी हमने पहले पढ़ा था ग्रीक स्कल्पचर से इन्फ्लुएंस होकर, तो इसने यहाँ पे इंडिया का थोड़ा बहुत स्कल्पचर यूज़ करा प्लस ग्रीक, तो यहाँ पे इंडो ग्रीक स्कल्पचर का यूज़ हुआ, यानी ये फॉरेनर से इन्फ्लुएंस हुआ था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो इंडिजीनियसली हुआ, यानी कि उन्होंने अपना पैटर्न खुद का अपनाया इंडिया का। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ये भी इंडिजीनियसली हुआ, इन्होंने भी कोई एक्सटर्नल कल्चर का इन्फ्लुएंस होके कोई यहाँ पर काम नहीं किया, उन्होंने खुद अपनी तरफ से ही सब कुछ करवाया। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुए इन सब कुछ चीज़ों को बनाने में, तो जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था ये वो यहाँ पर ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करता था, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज़ करता था, और जबकि उसके बाद जो लेटर पीरियड आया वो यहाँ पे मड और स्टूको यूज़ करता हुआ दिखा, ठीक है। अब जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था वो क्या यूज़ करता था, रेड सैंडस्टोन, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन यूज़ करता था।
अमरावती स्कूल आर्ट में क्या यूज होता था, व्हाइट मार्बल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाइट मार्बल्स यूज हुआ करते थे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। यहां से शुरुआत हो गए व्हाइट मार्बल्स का काम होना। अब उसके बाद रिलीजियस इन्फ्लुएंस, यानी किस किस रिलीजन से रिलेटेड वो लोग स्कल्पचर्स डिजाइन करते थे, स्कल्पचर्स बनवाते थे। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड स्कल्पचर्स बनवाता था, ठीक है। और जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था वो ऑल थ्री रिलीजन्स यानी हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तीनों से रिलेटेड बनाता था। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट था वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट, मेनली जो है वो बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट के बुद्धिस्ट से इन्फ्लुएंस होकर वो इन्हीं चीज़ के ऊपर स्कल्पचर्स वगैरह, आर्किटेक्चर्स वगैरह बनाता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिफरेंस इतना दिखेगा कि जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिस्ट तीनों रिलीजन्स को साथ लेके चल रहा था। अब पैट्रोनेज किस किस के अंडर यहाँ पे काम हुआ गया, तो पैट्रोनाइज बाय कुशाना रूलर्स। जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था वो किसके किसके अंडर चल रहा, कुशाना रूलर्स के अंदर। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वो भी किसके अंडर चल रहा, कुशाना रूलर्स के अंडर। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट चला सतवाना रूलर्स के अंडर। अब इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे दो स्कूल ऑफ आर्ट जो चल रहे हैं वो एक ही रूलर के अंडर चल रहे हैं, तो मतलब ये यहाँ पे साबित होता है कि कुशाना रूलर जो था वो पावरफुल था, ठीक है। कुशाना रूलर पावरफुल था, यहाँ पे सतवाना रूलर के अंडर पे हमारा अमरावती चला। उसके बाद एरिया ऑफ डेवलपमेंट कहाँ कहाँ डेवलप करे गए, ये जो हुआ वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डेवलप हुआ इन द मॉडर्न एरिया ऑफ कनाडर, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की एक खास बात ये थी, यहाँ पे माउंटेन पासिस थे, ठीक है, माउंटेन पासिस थे, जिस वजह से यहाँ पे जो फॉरेनर्स थे वो आ जाते थे। और क्योंकि आपने देखा भी होगा जो ये फॉरेनर्स से इन्फ्लुएंस होकर भी काम करा गया यहाँ पर, तो ये फॉरेनर्स आ जाते थे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माउंटेन पासिस थे। उसके बाद जो हमारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो कहाँ कहाँ डेवलप हुआ, मथुरा, सौंक और कंकालीतला, ठीक है, यहाँ यहाँ हमारा स्कल्पचर्स बने। उसके बाद जो हमारा लास्ट अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट था वो वहाँ जो उसने कहाँ कहाँ एरिया ऑफ डेवलपमेंट था उसका, कृष्णा, गोदावरी और लोअर वैली, ठीक है, ये जगह हैं यहाँ यहाँ डेवलप हुए, यहाँ यहाँ इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए, यहाँ यहाँ काम किया। अब फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर, यानी कि तीनों ने स्कल्पचर बनाए बुद्धा के, ठीक है। अब स्कल्पचर में क्या क्या फीचर्स थे, तीनों के अलग अलग फीचर होंगे क्योंकि तीनों अलग अलग अपने अपने थॉट से काम करेंगे, तो तीनों के अलग अलग फीचर्स होंगे, तो वही देखना है हमें कि क्या क्या अलग अलग तीनों के फीचर्स है। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसमें क्या दिखा हमें, बुद्धिस्ट इज शोन इन अ स्पिरिचुअल स्टेट, बुद्धिस्ट जो है वो स्पिरिचुअल स्टेट में दिखे विद वेवी हेयर, ठीक है, उनके हेयर भी खूब सारे, और ही वेयर्स फ्यूर ऑर्नामेंट्स, थोड़े बहुत उन्होंने ऑर्नामेंट्स भी पहन रखे थे। और ये यहाँ पे उनकी आइज जो है वो हाफ क्लोज थी, ठीक है, हाफ क्लोज यानी वो मेडिटेशन कर रहे थे, मेडिटेशन के पोज में स्कल्पचर बना। आ प्रोटरबोरेंस इज शोन ऑन द हेड सिग्निफाइंग द ओमनीसेंस ऑफ बुद्धा। अब यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है हमारा, बुद्धा के यहाँ पे स्कल्पचर बनाया गया जिसपे हेयर देख सकते हैं आपके कितने घने हैं, इनकी बियर्ड भी यहाँ पे बनाई गई है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटरबोरेंस इसे कहते हैं पीछे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुद्धा के हेड के पीछे है, यहाँ पे मेडिटेशन के पोज में है, ये मेडिटेशन कर रहे हैं इस पोज में, यहाँ पे स्कल्पचर इनका बनाया गया गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। उसके बाद आते हैं हम लोग मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, यहाँ पे बुद्धा स्कल्पचर के क्या क्या फीचर्स थे, बुद्धा इज शोन इन डिलाइटेड मूड, यहाँ पे थोड़े खुश दिखाई दे रहे हैं बुद्धा, स्माइलिंग फेस है उनका, बॉडी सिंबलाइजेज मैस्कुलरिटी, यहाँ पे यानी कि उनकी खुद यहाँ पे बॉडी शॉडी बनी हुई है, यानी कि मैस्कुलर बॉडी है, थोड़ी बहुत इनकी मसल्स हैं आपकी बार जो यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है यहाँ पे इनकी मैस्कुलरिटी ज़्यादा दिखाई गई है स्कल्पचर में इनके। फेस एंड हेड आर शेवन, यहाँ पे फेस और उनका हेड जो है वो शेव है, ठीक है, बाल नहीं है इनके। बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन, यहाँ पे वहाँ पे क्या थे मेडिटेशन कर रहे थे, यहाँ पर जो पद्मासन में बैठे हैं। और यहाँ पे सिमिलर प्रोटोबेंस, यहाँ पे वही जो प्रोट्यूबरेंस था वो एकदम सेम टू सेम दिखाई दिया है। यह है हमारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ पे बुद्धा की थोड़ी बॉडी बनाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैस्कुलरिटी है इनकी बॉडी में, ठीक है, बॉडी शॉडी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका स्कल्पचर जो कि ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ने बनाया था। अब हम बात करते हैं अमरावती की, तो अमरावती का जो बुद्धा स्कल्पचर था उसके क्या फीचर्स थे, जो अमरावती था इसमें मैं आपको छोटा सा बता दूँ, जातक टेल्स क्या होती हैं, यानी कि जातक स्टोरीज वो होती हैं बुद्धा के पास्ट से रिलेटेड, कि बुद्धा ने कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत करा है, तो उसी के ऊपर पूरी स्टोरीज के रूप में यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, पिक्चर्स के थ्रू स्कल्पचर्स के थ्रू पूरी स्टोरी बनाई जाती थी, यानी कथाएँ बनाई जाती थी
तो कथाएं के रूप में यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। हम देख लेते हैं अमरावती का भी, ये रहा इस तरीके से बुद्धा का यहाँ पे। अब स्कल्पचर यहाँ पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में पूरी जहाँ तक स्टोरीज दिखाई जाती थी, यानी कि बुद्धा का जो पास्ट है वो कैसे कैसे व्यतीत हुआ, वो पूरा स्कल्पचर के रूप में दिखाया जाता था। अब आ गए हम लोग ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट पर। यहाँ पर ग्रीक और रोमन आर्ट में कुछ डिफरेंस भी है, वो भी हम कवर करेंगे। थ्री एग्जिस्ट सम डिफरेंस बिटवीन ग्रीक देयर एग्जिस्ट सम डिफरेंस बिटवीन ग्रीक एंड रोमन स्टाइल। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। आइडियलिस्टिक स्टाइल ऑफ ग्रीक इज रिफ्लेक्टेड इन द मस्कुलर डिपिक्शन ऑफ गॉड्स एंड अदर मैन शोइंग स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। अब जो ग्रीक आर्ट था वो जो गॉड्स बनाते थे, गॉड्स का स्कल्पचर्स बनाते थे, वो थोड़ा मस्कुलर बनाते थे, यानी थोड़ी उनकी बॉडी शॉडी अच्छे से बनाई जाती थी। लॉट्स ऑफ ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर्स फ्रॉम द ग्रीक पार्थनन हैव बीन स्कल्प्टेड यूजिंग मार्बल। और जो ग्रीक स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, फिगर्स बनाई जाती थी, वो मार्बल के थ्रू बनाई जाती थी, मार्बल का यूज़ करा जाता था। अब हम रोमन आर्ट में देखें तो ऑन द अदर हैंड रोमन्स यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन एंड डेकोरेशन। तो जो रोमन आर्ट था वो ज़्यादातर ऑर्नामेंटेशन पे, ऑर्नामेंट्स पे और डेकोरेशन पे काम करता था, जिस वजह से जो था जो स्कल्पचर होता वो रियलिस्टिक लगता था, ठीक है, रियल लगता था। जो कि रोमन आर्ट रियलिज्म पे इसने बहुत काम किया है, रोमन आर्ट ने क्या बताता है कि रियल पीपल एंड मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स, क्योंकि वो ऑर्नामेंटेशन यानी कि 3D टाइप पिक्चर्स वो ज़्यादातर बनाता था स्कल्पचर्स। द रोमन्स यूज्ड कॉन्क्रीट इन देयर स्कल्पचर। जो रोमन्स होते थे पहले उन्होंने ग्रीक आर्ट में क्या यूज़ होता था, मार्बल, और यहाँ पे अब रोमन आर्ट में क्या यूज़ करते थे, वो लोग कॉन्क्रीट यूज़ करते थे। दे वर ऑल्सो फेमस फॉर देयर म्यूराल पेंटिंग्स। और वो क्यों क्यों फेमस थे, म्यूराल पेंटिंग्स के थ्रू फेमस थे। और म्यूराल पेंटिंग्स कौन सी होती हैं, जो वॉल पर बनाई जाती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बहुत विशाल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, वो होती हैं म्यूराल पेंटिंग्स। अब आगे देखें तो गाइज हमारे यहाँ पे हो जाता है पोस्ट मौर्यन आर्ट भी ख़त्म। पोस्ट मौर्यन आर्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ ही से हम लोगों का इसके बाद जो है गुप्ता एज आया। अब गुप्ता एज में किस तरीके के आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स थे, अब हमें वो पढ़ना है। हम लोगों ने कवर कर लिया है हरप्पन आर्ट कवर कर लिया है, उसके बाद मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, हमने ये तीन चीज़ें जो चैप्टर वन में हैं वो हम पूरा कवर कर चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग बहुत डीपली चीज़ें देख रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ रहे हैं, जिससे आप बिल्कुल भी यहाँ पर भूल नहीं सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं हम लोग गुप्ता एज के बारे में। तो हम देखते हैं क्या था गुप्ता एज में। द एमर्जेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर इन 4th सेंचुरी AD, ठीक है। अब क्या हुआ है, गुप्ता एम्पायर आया है 4th सेंचुरी AD में, और इसे हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ में प्रोग्रेस आना शुरू हो गया था। वाइल द अर्लियर गुप्ता रूलर्स वर बुद्धिस्ट कंटिन्यूड द ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। जो अर्लियर गुप्ता रूलर्स थे वो बुद्धिस्ट थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने बुद्धिस्ट का जो ट्रेडिशंस था, बुद्धिस्ट का जो ट्रेडिशन था वो कंटिन्यू रखा। टेम्पल आर्किटेक्चर केम टू द फोर्स फ्रंट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द हिंदू रूलर्स। इन्होंने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के साथ साथ अब हिंदू को भी यहाँ पे आगे दिखाया, और यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर हमारा स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मंदिर बनना भी साथ ही साथ शुरू हो गए, अभी तक स्तूपा वगैरह बन रहे थे, अब मंदिर बनना स्टार्ट हो गए। टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। टेम्पल आर्किटेक्चर क्लाइमेक्स तक पहुँचा अपने इसी पीरियड में। बौद्धिस्ट एंड जैन्स जो थे उन वो दोनों भी यहाँ पर, उन दोनों के ऊपर भी ध्यान दिया गया, साथ ही साथ जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके ऊपर, यानी हिंदू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों को यहाँ पे साथ लेके चला है गुप्ता एज, ठीक है। तीनों को साथ में लेके चला है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, ठीक है। और यहाँ पे बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट और जैन को यहाँ पे एकदम अपनी पीक तक पहुँचा दिया गुप्ता एज ने, गुप्ता एज में अपनी हाइट तक पहुँच गया था, मतलब बुद्धिस्ट, जैनिज्म और प्लस हिंदुइज्म, तीनों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करा था गुप्ता रूलर्स ने। गुप्ता रूलर्स स्पेशली इन द लेटर फेज वर ब्राह्मणिकल रूलर्स। फिर क्या हुआ, ये ब्राह्मणिकल रूलर्स बने। फिर हाउ एवर दे शो एग्जाम्पली टॉलरेंस फॉर ऑल अदर रिलीजन्स। क्या हुआ कि जो गुप्ता रूलर्स थे वो मतलब कि टॉलरेंस क्या, सारे अदर रिलीजन्स यानी कि बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म दोनों को साथ में लेकर चले हिंदुइज्म के साथ साथ, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ साथ इन्होंने इन दोनों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। थ्री प्रिंसिपल डिटीज वर वर्शिप्ड। अब क्या हो गया, तीन देवताओं के पूजा होने लगी। किन किन के, विष्णु जी की इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। विष्णु जी की कहाँ कहाँ पे होने लगी, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। शिव जी की कहाँ कहाँ होने लगी, सर्दर्न पार्ट में। शक्ति यानी कि सारी देवियाँ, ठीक है।
सारी देवियों की पूजा होने लगी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, एज वेल एज इन द मालाबार कोस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये जगह है यहाँ पे थ्री प्रिंसिपल डिटीज की यहाँ पे वर्शिप होने लगी। उसके बाद आता है हमारा आर्किटेक्चर। अब गुप्ता पीरियड का आर्किटेक्चर कैसा था? ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द केव्स रिमेन कॉन्स्टेंट। अब क्या हुआ, पहले हमारा जो केव्स का फंडा है ये गुफाओं का, ये हमारा मौर्यन आर्ट्स मौर्यन पीरियड से शुरू हो रहा है, मौर्यन में रहा, पोस्ट मौर्यन ने कंटिन्यू करा, अब यहाँ पे गुप्ता एज ने भी इसे कंटिन्यू रखा, ठीक है, केव आर्किटेक्चर को। हाउएवर द यूज ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स, जो बट क्या यहाँ पे क्या करा गया, म्यूरल पेंटिंग्स जो कि वॉल्स पे बनाई जाती हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वॉल पे, वो यहाँ पे एक एडिड फीचर था, यानी कि म्यूरल पेंटिंग्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा था। सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन द अजंता एंड एलोरा केव्स। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं म्यूरल पेंटिंग्स के जो कि अजंता केव्स और एलोरा केव्स में बनी हुई हैं, आगे भी देखेंगे हम लोग उन पेंटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम अजंता केव्स की बात करते हैं। अजंता इज़ अ सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स। अजंता जो है वो एक सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स, हमने अभी पढ़ा था कि जिसमें 29 केव्स होती हैं, फिर उसमें 25 जो थी वो विहारास थी, 4 चैत्यास थी, हमने पढ़ा था ना अभी, वही चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर कितनी है, टोटल नंबर ऑफ 29 केव्स हैं, 29 केव्स थी जिसमें से 25 केव थी वो विहारास थी। विहारास क्या होते हैं फिर से बता रहा हूँ मैं, रेजिडेंशियल हॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे जो 4 थी वो चैत्या थी जो कि हम प्रेयर हॉल्स कहते थे। द केव्स वर डेवलप्ड इन द पीरियड, जो केव्स डेवलप हुई उसका पीरियड टाइम क्या था, टाइम पीरियड 200 BC से लेके 650 AD तक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, द अजंता केव्स वर इंस्क्राइब्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द वकटक किंग्स, हरिसेना बींग अ प्रोमिनेंट वन। जो अजंता केव्स थी वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के यहाँ पे चल ही रही थी। अब यहाँ पे और क्या हुआ, एक वकटक किंग्स एंड मतलब वकटिंग किंग कौन हुआ, वकटिंग यहाँ पे एक डायनेस्टी हो गई, उसका किंग कौन था, हरिसेना। यहाँ पे एक प्रोमिनेंट वन था जो अपने अंडर, यानी कि आप समझ ली यहाँ पे रूलर था, ये एक तरीके का जो रूलर यहाँ पे कर रहा था, ये अपने अंडर, इसके अंडर अजंता केव्स इंस्क्राइब्ड हुई बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। द फिगर्स इन दीज केव्स वर डन यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग। अब इन फिगर्स में क्या हुआ, फ्रेस्को पेंटिंग यूज होने लगी, फ्रेस्को पेंटिंग का यूज करने लगे। डिमॉन्स्ट्रेट कंसिडरेबल नेचुरलिज्म। फ्रेस्को पेंटिंग इस तरीके से होती हैं जैसे 3D पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, कि ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे, ये नेचुरलिज्म के ऊपर इन्होंने भी काम किया। द कलर्स वर ऑप्टेन फ्रॉम लोकल वेजिटेशन, जो कलर्स हुआ करते थे वो लोकल वेजिटेशन से ऑप्टेन हुए, वेजिटेशन से और मिनरल से कलर्स ऑप्टेन हुए। आउटलाइंस ऑफ द पेंटिंग्स वर डन इन द रेड कलर, जो पेंटिंग की आउटलाइन हुआ करती थी, मान लीजिए पेंटिंग इसकी आउटलाइन हुआ करती थी तो वो रेड कलर से हुआ करती थी, और जो इनसाइड, फिर उसके बाद पहले ये लोग क्या काम करते थे, पहले जो आउटलाइन करते थे वो रेड कलर से करते थे, फिर देन उसके बाद अंदर पेंट करते थे, देन साइड वॉज पेंटेड। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर इज द एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर इन द पेंटिंग, और एक स्ट्राइकिंग फीचर, एक बहुत बड़ा फीचर ये भी है कि वहाँ पे ब्लू कलर का हमें यूज बिल्कुल भी नहीं दिखा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, केव नंबर 16 इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट स्पेसिमेंस ऑफ केव आर्किटेक्चर। केव नंबर 16 जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा एलिगेंट स्पेसिमेंट बताया जा रहा है केव आर्किटेक्चर का। द पेंटिंग्स वर जनरली थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म, और जो पेंटिंग्स थी वो ज़्यादातर बुद्धिज्म के उस पर बनी हुई थी, लाइफ ऑफ बुद्धा मतलब बुद्धा के ऊपर बनी हुई थी ज़्यादातर पेंटिंग्स, जातक स्टोरीज यानी पास्ट स्टोरीज ऑफ बुद्धा, इनके ऊपर केव नंबर 16 में पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई थी। ऑफ द 29 केव्स 5 वर डेवलप ड्यूरिंग द हिनायन फेस, वाइल द रिमेनिंग 24 डेवलप ड्यूरिंग द महायान फेस ऑफ बुद्धा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसा हमने अभी पढ़ा था जो अजंता केव्स थी वो 29 थी, ठीक है, अब उसी यहीं पे बात हो रही है, जो कि 29 केव्स थी वो 5 जो केव बनी वो हिनायन फेस में बनी, ठीक है, बाकी जो 24 बनी वो महायान फेस में बनी। अभी हिनायन फेस और महायान फेस क्या होता है, तो इसको पढ़ने के लिए आगे आते हैं। हिनायन फेस क्या होता है, स्मॉलर सेगमेंट मोर कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स क्या होती है, एक छोटी सोच वाले, ठीक है, एक हिनायन फेस ऐसा फेस भी आया था जहाँ पे छोटी छोटी सोच वाले थे। महायान जो महायान फेस था वो लार्जेस्ट सेगमेंट, ठीक है, मोर लिबरल थे वो लोग, ज़्यादा लिबरल थे, ज़्यादा फ्रीडम थे। हिनायन फेस में क्या था, हिनायन फेस को स्मॉल बोर्ड कहते, मतलब छोटे समय के लिए था हिनायन फेस। महायान फेस बिग बोर्ड, यानी कि बड़े समय के लिए था, बड़े समय तक चला। हिनायन फेस को डोमिनेट करता था थेरावाडा स्कूल, बट महायान फेस में ढेर सारे स्कूल्स तो थे पर कोई भी डोमिनेट नहीं करता था महायान फेस को, बट यहाँ पर जो है
हिनाइन फेस को डोमिनेट करता था थेरावाडा स्कूल। उसके बाद आते हैं ये भी एक पेंटिंग है जो हम बात कर रहे थे अभी म्यूरल पेंटिंग की। एक वन ऑफ द म्यूरल पेंटिंग ऑफ अजंता इज द डाइंग प्रिंसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक म्यूरल पेंटिंग है, इस तरीके से पेंटिंग्स बना करती थी। अजंता केव्स हमने कवर कर लिया, ठीक है, केव्स यहाँ पे कंटिन्यू चल रहे हैं, तो यहाँ पे अजंता केव्स हमने कवर करा। आप देखते हैं एलोरा केव्स, एलोरा केव्स में क्या क्या हुआ। एलोरा केव्स आर अनदर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ केव आर्किटेक्चर। एलोरा केव्स एक अनदर इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, एक और दूसरा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर बताया जा रहा है। इट्स लोकेटेड नियर 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अजंता केव्स इन शायद्री रेंजेस ऑफ महाराष्ट्र। 100 किलोमीटर दूर है किससे, अजंता केव्स से, जो कि यहाँ पे ये भी महाराष्ट्र में ही है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ 34 केव्स। वहाँ पे अजंता केव्स में 29 केव्स थी, यहाँ पे 34 केव्स हैं, जिसमें से 17 जो हैं ब्राह्मणिकल हैं, 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जैन। आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल यानी कि ब्रह्मा और जो बुद्धिस्ट यानी हिंदुइज्म प्लस बुद्धिज्म, यहाँ पे जैनिज्म के ऊपर भी ध्यान दिया है, और 5 केव्स वो हैं वो जैन से रिलेटेड भी हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस सेट ऑफ केव्स वर डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड, ये टाइम पीरियड था जब जब ये केव डेवलप हुई, फिफ्थ और 11th सेंचुरी एडी, बाय वेरियस गिल्ड्स फ्रॉम विदर्भा कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यानी कि जो केव्स बनाने वाले थे, ठीक है, जो ये आर्टिस्ट थे, वो कहाँ कहाँ से, उन्हें गिल्ड्स कहा जा रहा है। गिल्ड्स यानी वो ग्रुप जो कि कहाँ कहाँ से आए हुए थे लोग, विदर्भा से थे, यानी कलाकार जिन्होंने कला करी थी वहाँ पर, आर्किटेक्चर बनाया था जिन्होंने केव्स में, वो केव्स में पेंटिंग्स वगैरह जिन्होंने ड्रॉ करी थी, वो यहाँ पे कहाँ कहाँ से आए थे, विदर्भा से आए थे, कर्नाटका से, तमिलनाडु से। हैंस द केव्स रिफ्लेक्ट अ नेचुरल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ थीम। क्या हुआ, जब इतने दूर दूर से लोग आए, ठीक है, विदर्भा कहाँ से आए, फिर कर्नाटका, सब अलग अलग जगह से आए, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी यानी थोड़ा बहुत चेंज एक दूसरे के अंदर अंतर दिखने लगा पेंटिंग में। क्यों, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस थी, ये अपना स्टाइल अपना रहे थे, ये अपनी चॉइस से बना रहे थे, ये अपनी चॉइस से बना रहे थे, ठीक है, और सब जगह अपना अपना स्टाइल था, तो यहाँ पे थोड़ा हमने डाइवर्सिटी देखा थीम के अंदर, ठीक है, भेदभाव देखा हमने यहाँ पर, मतलब भेदभाव नहीं कह सकते, एक चेंजेस देखे, यहाँ पे अलग थीम, वहाँ पे अलग थीम, हमने डाइवर्सिटी देखी, ठीक है। अब यहाँ से हम जो आगे का कवर करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो गाइस बने रहिए, यहाँ पे एक के बाद एक लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, तो आप देखिए और अपने प्रॉब्लम्स नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको यहाँ पे सीरीज आप देखते रहिए, यहाँ पे हम बहुत डीपली नितिन सिंघानिया की बुक जो कि आर्ट एंड कल्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं।